मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज हमारा लगातार 268 दिन से धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, आज हमारी काम छोट हड़ताल जो 72 घंटे के लिए हमने कॉल की थी, आज वो शुरू होने जा रही है। हमने प्रशासन को बहुत समय दिया, लेकिन प्रशासन ने डेली वेजर की जेन्युइन डिमांड्स, जिनको कि हमारे उपराज्यपाल खुद मान चुके हैं कि इनकी मांग जायज़ है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से हमें काम छोड़ हड़ताल पे जाने का निर्णय लेना पड़ा। और अभी गर्मी का भी सीजन शुरू हो चुका है, और अगर जनता के लिए कहीं कहीं पानी की दिक्कत आती है तो उसके लिए हमारा पीएचई डिपार्टमेंट और हमारा एलजी प्रशासन जो है वो पर्टिकुलर जिम्मेदार है। हम कभी नहीं चाहते थे कि हम जनता के लिए परेशानियाँ क्रिएट करें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। एक तरफ प्रशासन ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, दूसरी तरफ इसी प्रशासन की नाक के नीचे डिपार्टमेंट स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल किया जा रहा है। एलजी साहब कहते हैं कि बैकडोर इंट्रीज डेली वेजर हैं, लेकिन जिन लोगों ने बैकडोर इंट्रीज की उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप जो लोग आपको लगता है कि बैकडोर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। उससे पहले 2015 में कंप्लीट बैन लगने के बाद 2423 लोगों को ऑनलाइन पीएचई डिपार्टमेंट ने रजिस्टर्ड किया है। उन सभी डीडीओस के ऊपर एलजी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट एलजी प्रशासन का समर्थन करता है, अगर वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये मांग करते हैं एलजी साहब से कि एलजी साहब, आपको जो ग्राउंड के ऊपर काम करता दिखता है आप वेरीफाई करें, जो लोग काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, उनका जो जायज हक बनता है उसको दबाने का आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत उनका हक देना चाहिए। जो डिपार्टमेंट में काम नहीं करता उसको बाहर निकाले, हम आपके साथ हैं। देखिए, मैं विजय कुमार, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। आज जो हमारी स्ट्राइक है, जो 72 घंटे की जो कॉल हमने दी है, ये काम छोड़ हड़ताल, जब सारे मुलाजिम हमारे 22,000 मुलाजिम काम छोड़ देगा तो जम्मू कश्मीर में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। लिहाजा सरकार को 9 महीने से हम यहाँ चीफ इंजीनियर ऑफिस से बार बार ये बता रहे हैं, कह रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मसलों को हल किया जाए। 1994 से लेकर आज दिन तक जितने भी डेली वेजर कैजुअल लेबर जो पीएचई डिपार्टमेंट की, जिनको रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो लोगों के घरों तक पानी पहुंचाते हैं, आज उनके बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी फीसें देने के लिए आगे अप्रैल महीना आ रहा है, उनके पास पैसे नहीं है। कई साथी तंगी का शिकार होकर हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक सोई है। जब भी इलेक्शन आती है झूठे वादे हमारे साथ किए जाते हैं। अब झूठे वादों से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए ये 72 घंटे की हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। इससे पहले एलजी सरकार जागे, गवर्नर इंतजाम
दवाई का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। 15-15, 18-18 और 20-20 साल हमने पीएचई डिपार्टमेंट को दिए हैं और जल्दी से जल्दी हमारी जो डिमांड्स है रेगुलाइजेशन पॉलिसी और जो 72 महीने की तनख्वाह दी जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जय स्ट्राइक दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। जय हिंद, जय भारत। ये जानकारी दे।